हरिओम, मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल योग शिक्षा पर। अगर आप भी योगा से नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। यह है हमारा टेलीग्राम चैनल, आप योगा अंडरस्कोर शिक्षा सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे पीपीटी, पीडीएफ, इम्पोर्टेंट नोट्स जो भी होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, नहीं तो आप हमारे जो इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगे आप मिस कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हठ योग के बारे में पढ़ेंगे, केवल हठ योग का परिचय देखेंगे। हठ योग किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू हठ योगा। केवल आज की विषय वस्तु यही होगी, केवल इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग हठ योग की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है, हकारेन उच्यते सूर्यस्य ठकारस्य चंद्र संयज्ञक चंद्र सूर्य समीभूते हठस्य परमार्थद। क्या होता है इसका मतलब, अगर आपने हठयोग के ग्रंथ या हठ प्रदीपिका या गेरेंट संहिता स्टार्ट किए हो तो आपको इस श्लोक का अर्थ पता होना चाहिए। चलिए हिंदी देख लेते हैं। हकार का अर्थ है सूर्य और ठकार का अर्थ है चंद्र। सूर्य और चंद्र के संतुलन अर्थात संयोग से हठ योग की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ क्या निकलता है, आप वीडियो को पॉज करके 1 मिनट सोचिए। अगर लगता है आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए हम लोग हठ योग के अर्थ को समझते हैं। क्या होता है हठ योग? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में पंच कोश होते हैं। सबसे पहला अन्नमय कोश, जिसमें कि हमारे भौतिक शरीर होते हैं जो हम लोग देखते हैं, वो अन्नमय कोश के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश की विषय वस्तु क्या है, नाड़ी है, चक्रा है, कुंडलिनी है, ये सब हमारे प्राणमय कोश की विषय वस्तु है। तो अभी बस केवल और केवल इसको जानिए, बाकी को हम लोग बाद में आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। यह जब पंचकोश की चर्चा हम लोग खास करके तैतरीय उपनिषद में पढ़ेंगे काफी डिटेल से। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, प्राणमय कोश के अंतर्गत क्या आती है, नाड़ी आती है, चक्रा और कुंडलिनी आती है। अब हम लोग यह जानते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, कहीं कहीं आपको 3.5 लाख भी देखने को मिलेगी। और फिर आगे पता चलता है 72,000 में कहीं आपको 10 प्रमुख बताई जाएगी, कहीं आपको 3 प्रमुख बताई जाएगी, कहीं आपको 3.5 लाख में 14 प्रमुख बताई जाएगी, कहीं 3.5 लाख में 10 प्रमुख नाड़ी बताई जाएगी। अब लेकिन जब यहाँ 10 से आगे बढ़िएगा तो पता चलेगा 3 प्रमुख है, यहाँ पे भी 3 प्रमुख है, यहाँ पे भी 3 प्रमुख है। अब आइए इन 3 प्रमुख नाड़ियों को देखते हैं, कौन कौन से 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं। तो सबसे पहली नाड़ी जो प्रमुख होती है वो ईड़ा नाड़ी, दूसरी पिंगला और तीसरी सुषुम्ना। अब ईड़ा नाड़ी को समझते हैं। ईड़ा नाड़ी किसे कहते हैं, हम लोगों के अंदर जो चेतन शक्ति होती है, चेतन शक्ति इसको कहेंगे, मेंटल एनर्जी भी कह लेंगे। तो इसका प्रवाह किसमें होता है, ईड़ा नाड़ी में होता है, चेतन शक्ति का। और पिंगला में किसका प्रवाह होता है, इसको बोलते हैं फिजिकल फोर्स या लाइफ फोर्स या प्राण शक्ति। अब ध्यान से सुनिएगा कि ईड़ा नाड़ी को और भी क्या कहते हैं, चंद्र नाड़ी, और इसको कहते हैं सूर्य नाड़ी। सूर्य प्राण का प्रतीक है, चंद्र चेतना का प्रतीक है। अगर आप लोगों ने प्रश्नोपनिषद पढ़ा होगा तो वहां पे बताया जाता है कि यह प्रजा किससे उत्पन्न हुई है, प्राण और रई से। तो यह प्राण, आगे उसमें बताया गया है ना कि प्राण सूर्य है और रई चंद्र है।
उत्तरायण है, चंद्र दक्षिणायन है। हाँ, हो सकता है ये थोड़ा भी आपको अटपटा लगेगा अगर आपने प्रश्न उपनिषद नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने प्रश्न उपनिषद पढ़ा होगा तो आप इस बात को समझ सकते हैं। तो चलिए एक बार और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि चेत शक्ति या चेतना शक्ति क्या है और प्राण शक्ति क्या है। जैसे अगर आपको अपना हाथ हिलाना है तो आप पहले सोचेंगे कि आपको अपना हाथ हिलाना है, तो यह आपने जो सोचा यह कैसे सोचा, यह चेतना शक्ति की मदद से आपने सोचा। अब आप जब इसको मूव कर रहे हैं या इसको हिला रहे हैं तो यह आप कैसे इसको मूव कर पा रहे हैं, प्राण शक्ति की वजह से। थोड़ा सा इसको और समझते हैं। अगर जब दोनों में समानता होगा अथवा होगी तो आप किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो क्या पता चला हम लोगों को कि ईड़ा और पिंगला ये हमारे मेंटल वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये फिजिकल वर्क के लिए। दो हठयोग का प्रयोजन यही है कि इन दोनों के बीच में समानता आए या कैसे दोनों का संयोग होगा। तो हम लोग जो अभ्यास करते हैं, चाहे षटकर्म करें, आसन, प्राणायाम, कुंभक, कुछ भी करें या धारणा का अभ्यास करें, तो इन सब से क्या होती है, उसमें एकता आती है। और जब एक समान स्वर चलने लगे सूर्य और चंद्र नाड़ी में, तब सुषुम्ना के अंदर प्राण का संचार होता है और फिर उसके बाद कुंडलनी शक्ति हमारे सुषुम्ना में ट्रैवल करते हुए आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है। तो ये पूरा हमारा हठयोग हुआ। हठयोग का अर्थ, हठयोग की परिभाषा, पर्यायवाची शब्द हैं पिंगला के और ईड़ा के, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसको भेज दूंगा क्विज बना के। और सुषुम्ना के पर्यायवाची इस बार एग्जाम में आए थे, आप लोगों को कुंडलनी के भी पर्यायवाची पता होने चाहिए। हालांकि मैं सब टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें, और सब अच्छे से समझ आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें जो नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अलॉट।